प्रियंका गांधी जी का, हम लोग जोर से नारे लगाएंगे, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। दीदी आपके सम्मुख प्रस्तुत। नमस्कार, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आज बहुत कड़ी धूप है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती क्योंकि अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हैं और मेरे बाद इन्हें बोलना है। मैं दो तीन चीजें बताऊंगी जो मेरा अनुभव इन दो महीनों में हुआ है जब से मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू किया। देखिए, चुनाव का समय है और आप प्रचार खूब भारी दिख रहे हैं और जो सरकार है इनका प्रचार इतना मजबूत और अच्छा है कि वो सारी जगह छाई हुई है। आप चाहे अपना अखबार खोलें उसमें उनकी फोटो देखेंगे, चाहे आप टीवी चलाएं तो उनका प्रचार उसमें आएगा, चाहे आप रेल गाड़ी में जा रहे हैं उसके टिफिन के बक्से पे उनका चेहरा दिखेगा। कल परसों मैंने देखा कि जब पोलिंग के लिए लोग गए तो उनके खाने के बक्सों पे भी उनका चेहरा था और ऐसा लगता होगा उस प्रचार को देखते हुए कि भगवान जाने कितना काम हुआ है इन 5 सालों में और कितनी तरक्की हुई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं 2 महीनों से उत्तर प्रदेश का दौरा लगा रही हूं, जन जन से मिलती हूं और मैंने वो सच्चाई देखी है। मैंने वो सच्चाई उन नौजवानों की आंखों में देखी है जो हर चौराहे पे, हर बाजार पे मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दीदी कोई रोजगार नहीं है। मैं वो सच्चाई उन आलू किसानों की आंखों में देखती हूं जो लखनऊ रायबरेली तक मेरे पास आकर मेरे से बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि आज बीज का दाम उपज के दाम से ज्यादा है, कि कर्ज में डूबे हुए हैं, कि उनकी लागत दुगनी हो चुकी है, कि कोल्ड स्टोरेज या तो बंद है या उनकी कीमत इतनी है कि वो नामुमकिन है। वो एक किसान जिसने मुझे बताया कि 19 टन आलू लेकर महाराष्ट्र जाना पड़ा उसको बेचने के लिए, जहां 94,000 रुपए उन्हें मिले, रास्ते में जाने के लिए उन्होंने 42,000 रुपए खर्चे, कोल्ड स्टोरेज के लिए 46,000 रुपए खर्चे और अंत में मात्र 490 रुपए, मात्र 490 रुपए लेकर घर आए। उन्होंने वो रुपए एक लिफाफे में डाले और हमारे प्रधानमंत्री जी के घर भेजे, उनको यह बताने के लिए कि यह है हमारी हालत, ये है इस देश की असलियत जिसे आप पहचान नहीं रहे हैं, जिसको आपका प्रचार छुपा है। ये असलियत जो आप भुगत रहे हैं इसके बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं और जो प्रचार आप देखते हैं इसका झूठ आप समझते हैं। जब आप सवाल उठाते हैं आपसे कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। मैं महिलाओं से मिली, अध्यापकों से मिली, किसानों से मिली जिनको पीटा गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा, उनको पीटा गया, उन पर तमाम कानून लगाए गए, रासुका लगाया गया और उनको कहा गया कि तुम देशद्रोही हो, तुम आवाज उठाते हो, तुम सवाल उठाते हो। प्रचार करने के समय आप देशद्रोही, जनता देशद्रोही और सरकार कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं पूछती हूं, आप राष्ट्रवादी हैं तो शहीदों का आदर करिए, उन शहीदों का आदर करिए जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं और जो शहीद आपके विपक्ष के नेता के पिता हैं उनका भी आदर करिए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करें जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया। उन महापुरुषों का आदर करिए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय
पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है, गरीबों के लिए बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब देश भर से नंगे पांव हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में किसान आपके दरवाजे तक आए तो आप उनसे मिले क्यों नहीं, आपने उनसे उनका दर्द क्यों नहीं पूछा। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब आपके किसी साथी ने किसी महिला के खिलाफ कोई गलत बयान दिया तब आपने इस देश की तहजीब उनको क्यों नहीं सिखाई। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो धर्म के नाम पर जब किसी की निर्मम हत्या की गई तो उनके हत्यारों को सम्मानित करने के बजाय आपने उन परिवारों का दुख क्यों नहीं बांटा। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उस लोकतंत्र का आप आदर क्यों नहीं करते जिस लोकतंत्र ने आपको सत्ता दी, उन संस्थाओं को आप जी जान से क्यों नहीं उनकी रक्षा करते जिन संस्थाओं से जनता को शक्ति मिलती है, जिन संस्थाओं से इस देश की जनता मजबूत बनती है, उनको नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं, लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप जनता की आवाज को बंद क्यों करना चाहते हैं, जब जनता आपसे सवाल पूछती है आपको खुश होना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि देखिए मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ या रहता हूँ जिसमें जनता की आवाज उठती है, जिसमें जनता सवाल पूछती है, जिसमें जनता जागरूक है, जिसमें जनता मजबूत है, उसके बजाय आप उस आवाज को दबाना चाहते हैं और पूरे प्रयास में रहते हैं कि जनता की आवाज ना आप तक पहुंचे और ना किसी और तक पहुंचे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उस जनता का नमन करिए जो आपका आपसे सवाल पूछती है, जो आपसे ये कहती है कि मेरे चुनाव में मेरे से भाषण मेरे सुनने भाषण आते हैं, मेरे से बात करने आते हैं, तो काम की बात करिए, मुझे बताइए मेरे लिए आप क्या करेंगे। आपको गर्व होना चाहिए ऐसी जनता पर, लेकिन लगता है कि इस सरकार को न लोकतंत्र पर गर्व है, न हमारी संस्थाओं पर गर्व है और न हमारी जनता पर गर्व है, क्योंकि अगर असली राष्ट्रवादी होते तो ये सत्य का मार्ग पकड़ते, ये समझते कि ये देश सत्य पर आधारित है और जो सत्य के मार्ग से भटक जाता है उसको ये देश नहीं बख्शता, आपको भी नहीं बख्शेगा क्योंकि आप भी सत्य के मार्ग से बहुत पहले भटक चुके हैं। चुनाव का समय है, अध्यक्ष जी आपको ये बताएंगे हमारी योजनाओं के बारे में जो हमारे घोषणा पत्र में है, एक न्याय की योजना जिससे 72,000 रुपए हर गरीब तक पहुंचेंगे और इसमें जो भावना है वो भावना है कि जब ये सरकार 317,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दे सकती है तो क्या इस देश के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना नहीं मिल सकता। ऐसी योजनाएं तमाम उस घोषणा पत्र में है जिससे आपको स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है, और ऐसी योजना जिससे 12वीं कक्षा तक सरकारी पाठशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये योजनाएं हैं जिसकी बारे में देश के सामने चुनाव के समय प्रचार होना चाहिए। तो आप बहुत जागरूक हैं, आप इन बातों को समझिए और ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके हित के में काम किया है, हमेशा इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, उसको आगे बढ़ाया है और इस जनता का ये एहसान माना है कि आपने हमें सेवा करने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी धूप में खड़े हैं। मैं अध्यक्ष महोदय श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करती हूँ कि आकर आपको संबोधित करें। धन्यवाद।